नमस्कार दोस्तों, एसआर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे मैथ में अनुपात समानुपात। आज हमारा टॉपिक चलेगा अनुपात समानुपात। सही है दोस्तों, अनुपात समानुपात वाला हमारा टॉपिक चलेगा। तो अनुपात से होता है दोस्तों, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है दो सहजाती राशियों के बीच तुलनात्मक संबंधों को अनुपात कहते हैं। दो सहजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक दो सहजातीय के बीच तुलनात्मक मान तुलनात्मक मान या संबंध दो से ज्यादा तुलनात्मक संबंधों को अनुपात कहते हैं। अनुपात का मतलब होता है दोस्तों दो सहजातियों के बीच तुलनात्मक संबंधों को अनुपात कहते हैं। जैसे 5:4 दो सहजातीय तुलनात्मक संबंधों को अनुपात कहते हैं, इनकी दोनों के मध्य अनुपात। सही है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं अनुपात से संबंधित। सबसे पहले हम देखेंगे अनुपात में वर्ग अनुपात। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग अनुपात। जैसे वर्ग अनुपात, वर्ग अनुपात से संबंधित क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन हमारा 3:5 का वर्ग अनुपात होगा, वर्ग अनुपात होगा। क्वेश्चन हमारा दोस्तों वर्ग अनुपात से क्वेश्चन है 3:5 का वर्ग अनुपात होगा। तो हल कीजिए दोस्तों, वर्ग अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन संख्याओं का वर्ग का मान बताना है दोस्तों। वर्गानुपात का मतलब ये होता है, वर्गानुपात का। जैसे 3 है, यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे कितना होता है? 9। यहाँ पे 5 है, 5 का वर्ग करेंगे कितना होता है? 25। तो 9:25, ये इनका क्या आ गया? वर्ग अनुपात आ गया। यानी वर्ग कर का इनका अनुपात बताना है, वर्ग करके इनका अनुपात बताना है। सही है दोस्तों, ये तो था वर्ग अनुपात। और देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें 7:11, इनका वर्ग अनुपात कीजिए दोस्तों, क्या आएगा इनका वर्ग अनुपात? हल कीजिए, यानी 7 का तो कितना होता है? 49। 11 का 121, ये इनका क्या आ गया? वर्ग अनुपात। सही है दोस्तों, कर सकते हैं इसे क्वेश्चन। और देखते हैं, जैसे जैसे 3:6 का वर्ग अनुपात बताइए। 3:6 का वर्ग अनुपात बताइए। तो हल कीजिए दोस्तों, 3:6 का वर्ग अनुपात करेंगे, 3 का कितना होता है? 9। 6 का 36, जो कटता है उसको काटेंगे दोस्तों। अनुपात का मतलब होता है कि छोटा से छोटा रूप होता है अनुपात का, मतलब जो कटता है उसको काट देंगे। जैसे 3 की पार्टी कटता है 3 बार, 3 की पार्टी कटा कितनी बार? 12 बार। फिर कट रहा है, 3 की पार्टी काटेंगे 1 बार, 3 की पार्टी काटा तो 4 बार। तो इनका वर्ग अनुपात कितना आया? 1:4 आया। सही है दोस्तों, जो करता है उसको काट देंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखा हमने 49 और 121, ये कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा। उसी प्रकार यहाँ पे हमने देखा था 3 का और 5 का, 3 का तो था 9 और 5 का था 25, ये कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा। लेकिन 3:6 का वर्ग अनुपात निकाला तो ये कट रहा है, यानी 9:36 आया। तो ये कट रहा है, किसकी फाड़ से कट रहा है? 9 की फाड़ से कट रहा है। 9 एकम 9, 9 चौक 36, या 3 की फाड़ से काटेंगे फिर 3 की फाड़ से काटेंगे। सही है दोस्तों, ये तो था वर्ग अनुपात। आगे देखते हैं और क्वेश्चन, वर्ग का मूलन देखेंगे दोस्तों। अब ये तो क्वेश्चन थे वर्ग अनुपात से, अब क्वेश्चन देखेंगे वर्गानुमूल से। क्वेश्चन हमारा वर्ग मूलात्मक मान होगा दोस्तों, वर्ग मूलानुपात, नुपात, वर्ग मूलानुपात। सही है दोस्तों, जैसे वर्ग मूलानुपात देखते हैं, जैसे 16:49 का
वर्गमूला बात बताइए, वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल अनुपात बताना है। तो हल कीजिए दोस्तों, वर्गमूल अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनका वर्ग निकालेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे कितना है, 16, 16 का रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 16 किसका होता है, 4 का, 49 7 का। तो ये इनका क्या आ गया, वर्ग अनुपात, यानी ये वर्ग मूल अनुपात है। वो पहले वर्ग मूल था, लेकिन अब क्या है, वर्ग मूल अनुपात है, यानी उस संख्या को उसी संख्या में लाना। जैसे यहाँ पे 4 × 4 तो कितना होता है, 16, लेकिन इसको करेंगे वर्गमूल करेंगे, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। सही है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे 49 है, 49 का वर्गमूल करेंगे, तो कितना होता है, 7। सही है, कर सकते हैं। ये तो था वर्गमूल अनुपात। जैसे और देखते हैं क्वेश्चन, वर्गमूल अनुपात से जैसे कि 441 अनुपात, 441 अनुपात 729 या 784 कर लो आप, 784 का वर्गमूल अनुपात बताइए। 441 अनुपात 784 का वर्ग मूल अनुपात बताइए। तो हल कीजिए दोस्तों, तो 441 अनुपात 784 का वर्ग मूल अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 441 ये किसका है, 21 का, 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 आएगा। तो इसका तो मान कितना आ गया, 21 आ गया। इसी प्रकार 784 ये किसका है, 784, 25 का तो 625 होता है, 26 का 676 होता है, 27 का 729 होता है, 28 का 784 होता है। ये किसका मान आ गया, 28 का मान आ गया, करता तो काट देंगे, यानी इनका मान आया 21 अनुपात 28 आया। सही है दोस्तों, 21 अनुपात 28। तो ये कट रहा है क्या, 7 की फाड़े से कट रहा है, 7 या 21, 7 चौक 28। तो इनका वर्ग अनुपात कितना आया, वर्गा मूल अनुपात कितना आया, 3:4 आया। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। और देखते हैं, अब देखेंगे हम घन अनुपात, देखेंगे घन अनुपात देखेंगे दोस्तों। घन अनुपात देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 4:5 का घन अनुपात होगा, घन अनुपात बताना है, बताना है दोस्तों 4:5 का। हल कीजिए दोस्तों, इन संख्याओं का घन करना है। घन का क्षेत्रफल होता है भुजा क्यों होता है, यानी 4 × 3 बार गुणा करके लिखेंगे, 4 × 4 × 4, इसी पर 5 × 3 बार लिखेंगे, 5 × 5 × 5। सही है दोस्तों, 4 को 3 बार गुणा किया तो कितना आया, 64। इसी प्रकार 5 को 3 बार गुणा किया तो 125। ये इनका क्या आ गया, घन अनुपात आ गया। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन था कि 4:5 का घन अनुपात बताइए। 4 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 4 को 3 बार गुणा किया तो 4 × 4, 4 चौक 16, 16 को 4 से गुणा तो 64। तो 4 का तो कितना आया, 64 है। इसी प्रकार 5 का निकालेंगे, 5 को 5 से किया तो 25, 25 को फिर 5 से किया तो 125। तो इनका घन अनुपात कितना हुआ, 125। ये कट रहा है या ये नहीं कट रहा, तो इनका अनुपात क्या आ गया, 64:125 आ गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं। सही, इसमें यहाँ पे जैसे कि 7:9 का घन अनुपात बताइए दोस्तों। 7:9 का घन अनुपात बताइए, यानी 7 को हम पहले 3 बार गुणा करेंगे, उसी प्रकार 9 को भी हम 3 बार गुणा करेंगे। तो 7 को 3 बार गुणा करने पे क्या आता है, 9 को 3 बार गुणा करने पे क्या आता है, वो करके बताइए दोस्तों। तो हम यहाँ पे देखेंगे 7 को 3 बार गुणा करेंगे, 7 × 7 × 7
इसी प्रकार 9 को देखिए, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 गुणा 9, 7 7 49, 49 को 7 से गुणा किया तो 343। इसी प्रकार 9 को 9 से गुणा किया तो 81, 81 को फिर 9 से गुणा किया तो 729। ये इनका घन अनुपात आ गया, सही है दोस्तों। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखिए 11 और 13 का घन अनुपात बताइए दोस्तों, 11 और 13 का हल कीजिए दोस्तों। घन अनुपात बताना है 11 और 13 का, तो क्या करेंगे 11 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 11 गुणा 11 गुणा 11, 3 बार किया 11 गुणा 11, 11 और 11 से किया तो 121, 121 को फिर 11 से किया तो 13 31, सही है दोस्तों। इसी प्रकार हम यहाँ पे 13 का देखेंगे, 13 को 13 से गुणा करेंगे, 13 गुणा 13 गुणा 13, 13 को 13 से गुणा किया तो 169, 169 को फिर 13 से गुणा किया तो 21 97, ये हमारा क्या आ गया घनानुपात आ गया। कट रहा है तो काट दे, काट देंगे, यहाँ पे नहीं कट रहा है, सही है दोस्तों। तो इनका क्या आ गया अनुपात 13 31, 13 या 13 31, 13 अनुपात 31 यहाँ पे आ गया 21 97, यानी हमारा आंसर हो गया 13 31 अनुपात 21 97, सही है दोस्तों। तो ये तो था घनानुपात, अब आगे देखेंगे घन मूलानुपात, देखेंगे हम घन मूलानुपात, देखते हम घन मूलानुपात, सही है दोस्तों घन मूलानुपात। तो हम यहाँ पे करेंगे जैसे कि 512 अनुपात 27 का घन मूलानुपात बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है, 512 अनुपात 27 का घन अनुपात बताइए, घन मूलानुपात बताइए दोस्तों। तो हल कीजिए दोस्तों, यहाँ यानी रूट क्यूब निकालना है इनका, सही है दोस्तों। तो इसका निकालेंगे 512, ये किसका होता है 8 का होता है, 8 × 8 × 8, 8 को 8 से किया तो 64, 64 को 8 से किया तो 512, तो इसका तो मान कितना आ गया 8 आ गया। इसी पर हम यहाँ पे देखेंगे ये किसका है 3 × 3 × 3, 3 को 3 से किया तो 9, 9 को 3 से किया तो 27, तो इसका मान कितना आ गया 3, तुम्हारा आंसर क्या आ गया 8 अनुपात 3, इनका क्या आ गया घन मूलानुपात आ गया, सही है दोस्तों। और देखते हैं क्वेश्चन और है सही, देखिए घन अनुपात, घन मूलानुपात बताना है 216 अनुपात 33 75 का घन मूलानुपात बताइए दोस्तों, हल कीजिए दोस्तों। घन मूलानुपात बताना है तो क्या करेंगे इनका निकालेंगे, घन मूलानुपात निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इनका निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये किसका है 216, यानी 6 × 6 × 6, 6 को 3 बार गुणा किया तो 216 है, 6 × 36, 36 को 6 से गुणा किया तो 216, यानी 216 का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसी प्रकार 33 75 है, 33 75 क्या कर रहा है 15 × 15 × 15, यानी 15 को 15 से गुणा किया तो 225, 225 को फिर 15 से गुणा किया तो 33 75, तो इसका मान कितना आ गया 15, तो हमारा उत्तर यह आ गया 6 अनुपात 15, सही है दोस्तों। ये इनका घन मूल अनुपात आ गया, लेकिन ये गलत है दोस्तों, मैंने कहा था कि अनुपात का मतलब होता है छोटा से छोटा रूप, ये कट रहा तो काटेंगे, ये 3 के पहाड़े से कट रहा है दोस्तों, ये 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 5 बार,
तुम्हारा आंसर क्या है? 2:5, ये हमारा राइट आंसर है। सही है दोस्त, अनुपात का मतलब होता है कि छोटा से छोटा रूप होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 6:15 आया, लेकिन ये कट रहा है तो काटेंगे हम यहाँ से, क्योंकि ये 3 के फाड़े से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो इनका आंसर क्या है? हमारा आंसर क्या है? 2:5 आया। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, और हम कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों।